हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना टिक्की। ये टिक्की अक्सर करके व्रत में खाई जाती है। आप ऐसे भी इसको बना के खा सकते हैं। इसमें बस आप सिंघाड़े के आटे की जगह या कुट्टू के आटे की जगह आप बेसन डाल दीजिए, आपकी टिक्की ऐसे ही बन के तैयार होगी। टिक्की बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आलू उबाल लिया था। आलू उबाल के हमने छील लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दे रहे हैं। आप और अधिक क्वांटिटी में डाल सकते हैं। ये साबूदाना हमने पहले ही भिगो के रख दिया था, लगभग 4 से 5 घंटे पहले ही। अब हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं। आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं व्रत में बना रही हूँ तो व्रत में हम लोग लाल मिर्च नहीं डालते हैं। मैं इसमें सिंघाड़े कांटे का प्रयोग कर रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून सिर्फ सिंघाड़े कांटा इसमें डाला है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी मूँगफली डाल रही हूँ, यानी कि लगभग 1 टेबल स्पून के लगभग मैं मूँगफली भी डाल दे रही हूँ। मूँगफली दाना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं मत डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। आप अगर सेंधा नमक ना खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आप इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। आप अगर जीरा ना खाते हो तो आप जीरा स्किप कर दीजिए। अगर आप इसको व्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप सिंघाड़े के आटे की जगह बेसन या फिर आरारोट और कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसका अब मैं एक डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। अब हाथ में मैं पानी लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं पानी लगा लूँगी और अब इसके मैं बड़े बना लूँगी। बहुत ही आसान है ये टिक्की बनाना। आप इस तरह से टिक्की बना के आप नॉर्मल में भी, जैसे हम लोग टिक्कियाँ जो बाज़ार में खाते हैं, वैसे भी आप इस तरह से टिक्की बना सकते हैं। साबूदाना पड़ा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ये मैं सारी टिक्की बना ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप बनाइए। आप जैसी भी आकार पसंद करते हो, लंबा गोल जिस तरह से आपको पसंद हो, आप उस तरह से इसे आकार दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 से 6 टिक्की बना ली है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और उस पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई भी मैंने तेल डाल दिया है। तेल को मैं गर्म होने दूंगी। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है कि ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आप टिक्की इसमें डालिए। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ये सरसों का तेल नहीं है, ये रिफाइंड ऑयल है। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं और देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें आप बड़े डाल दें। बड़ों को आप छेड़े नहीं, लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, नहीं तो आपके बड़े टूटने लगेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन बड़ों को केयरफुली पलट लेंगे। बहुत सारे लोगों के बड़े क्या होते हैं, टूट के अलग अलग हो जाते हैं और या तो चिपक जाते हैं। ये देखिए, हमने छुआ ही नहीं, जब इन बड़ों ने कढ़ाई छोड़ दी तब जाके मैंने इसको पलटा है। और अब करारा होने तक इसे सेक लें। ये देखिए, हमारे बड़े एकदम लाल हो गए हैं, यानी बिल्कुल करारे हो गए हैं। अब इन बड़ों को मैं निकाल दूंगी और बाकी बचे हुए बड़े भी मैं इसी तेल में तल लूंगी। और अगर आपको कोई और नई रेसिपी बनवानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस रेसिपी को कम से कम चीज़ों में आसान से आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताएंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों के ऊपर है, डिपेंड करता है आप लोग फॉलो करें चाहे ना करें। आप लोग जब व्रत में जब भी फलाहार करें तो हमेशा स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें। उसमें कांच के बर्तन या फिर बोन चाइना के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।